क्या देख रहे हैं आप? 2 BHK फ्लैट मेन रोड से नजदीक, जिस पर आपको रजिस्ट्री या कुछ लोन भी मिल जाए। जो फ्लैट नॉर्मल 2 BHK फ्लैट से हो ज्यादा स्पेसियस। दिखाऊंगा एल कॉर्नर बिल्डिंग में ऐसा ही 2 BHK फ्लैट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सचिन गहलोत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने सस्ता घर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सस्ता घर आज जो प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला है 2 BHK फ्लैट दिखाने वाला है। दोस्तों ये 2 BHK का फ्लैट के साइज की बात करें तो काफी अच्छा इसका साइज निकल कर आया है, क्योंकि ये एल कॉर्नर बिल्डिंग के अंदर है तो इस बिल्डिंग का क्रॉस वेंटिलेशन भी काफी अच्छा रहेगा कि दोनों साइड से आपको प्रॉपर एयर मिलेगी और सनलाइट मिलेगी, तो क्रॉस वेंटिलेशन काफी अच्छा है। दोस्तों बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। आज जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ हरगोविंद इंक्लेव के अंदर दिखा रहा हूँ। हरगोविंद इंक्लेव छतरपुर की काफी अच्छी लोकेशन है, काफी अच्छी प्राइम लोकेशन है, जो कि वेल कनेक्टेड है आपका तिवोली रोड से। यहाँ से तिवोली रोड की बात करें तो 50 मीटर की दूरी पर ही अवेलेबल है। वहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो रिक्शा मिल जाते हैं जो आपको मेट्रो तक ड्रॉप कर देते हैं। मेट्रो भी आप 5 से 10 मिनट की ड्राइव में कवर कर पाएंगे। दोस्तों आज जो 2 BHK फ्लैट दिखा रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है, बिल्डिंग अभी तैयार नहीं हुई है, तो इस फ्लैट की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लैट बचा हुआ है जो कि मेन रोड से काफी नजदीक है। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ, वहीं जाके बताऊंगा किस तरह की प्रॉपर्टी है और किस तरह के फिटिंग और फिक्चर के साथ प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अब चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी की तरफ। दोस्तों अपनी बिल्डिंग के सामने हम आ चुके हैं, बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। फिर बिल्डिंग का किस तरह का एलिवेशन आपको मिलेगा, किस तरह का एलिवेशन वो करके देंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्डिंग के ऊपर आपको देख सकते हैं सीमेंट मोल्डिंग का वर्क मिलने वाला है और स्टोन फिनिश टेक्सचर मिलने वाला है, और जितना भी आपका आउटर फ्रेम है फ्रंट एलिवेशन है उस पर आपको UPVC की विंडो मिलने वाली है जिसमें टफन ग्लास में लगा के देंगे। दोस्तों अब इसकी पार्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्किंग काफी स्पेसेस आपको मिल रही है। दोस्तों इस बिल्डिंग की खास बात यह है कि इसका फ्रंट काफी अच्छा है, फ्रंट भी अच्छा है और एल कॉर्नर है, तो देख सकते हैं इधर भी 3 गेट दिए हुए हैं और इधर भी आपको थ्रू आउट गेट लगा के दे रहे हैं, तो कहीं से भी आप गाड़ी जो अपनी लाएंगे अंदर तो आपको निकालने में दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस फ्लैट की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर एक ही 2 BHK फ्लैट बचा है जो कि रोड से काफी नजदीक है। दोस्तों पार्किंग में भी काफी अच्छा आपको काम करके दे रहे हैं, देख सकते हैं पार्किंग के अंदर आपको फॉल सीलिंग वर्क करके दे रहे हैं, कंसील लाइट आपको लगा के देंगे, नीचे देख सकते हैं काफी अच्छी इन्होंने फ्लोरिंग लगाई हुई है स्टोन की, 2 पैटर्न में लगा के दे रहे हैं देख सकते हैं, इसमें लाइट एंड डार्क कलर का ग्रेनाइट का यूज कर रहे हैं, तो काफी अच्छी आपको बिल्डिंग मिलने वाली है। पिलर्स भी देख सकते हैं काफी मजबूत है, तो स्ट्रक्चर भी काफी मजबूत है। अब चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें इंटीरियर वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कम खर्चे के अंदर अपने बेडरूम को अपने ड्राइंग रूम को अच्छा बना सकते हैं, उसकी भी मैं आपको जानकारी दूंगा। अब चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। दोस्तों अब इस बिल्डिंग के लॉबी स्पेस में हम आ चुके हैं, देख सकते हैं कितनी बड़ी लॉबी आपको मिल रही है। दोस्तों लॉबी हमेशा बड़ी मिलनी चाहिए, मैंने देखा है लॉबी छोटी कर देते हैं, बाद में क्या होता है कि जब हम फ्लैट में कोई सामान शिफ्ट करते हैं या मूव करते हैं किसी सामान को तो बड़ी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो लॉबी देखो काफ़ी अच्छी मिल रही है, अप्रॉक्स 5 फीट इसकी चौड़ाई और ग्रेनाइट की फ्लोरिंग के साथ आपको फिनिश करके देंगे। ऊपर भी जो आपको लाइट मिलने वाली है वो सरफेस लाइट मिलने वाली है और कॉमन एरिया के अंदर आपको पेंट मिलने वाला है। ये आपका लिफ्ट स्पेस है, इसको काफ़ी अच्छे एनहेंस करेंगे, इसमें क्लैडिंग करके देंगे टाइल की, तो इस एरिया को भी अच्छे एनहेंस करके देंगे। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, जो फ्लैट मैं आपको दिखा रहा हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में, इस बिल्डिंग के अंदर एक ही फ्लैट बचा हुआ है 2 BHK। इस बिल्डिंग का जो फ्रंट इतना अच्छा है क्योंकि एल कॉर्नर बिल्डिंग है, तो सारे फ्लैट फ्रंट पे आ रहे हैं। 3 BHK 3 फ्लैट हैं और 2 BHK 1 फ्लैट है, तो उसी फ्लैट को मैं दिखा रहा हूँ जो एक ही फ्लैट बचा हुआ है। अब बात करते हैं किस तरह का डोर आपको मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं किस तरह का डोर आपको मिलने वाला है। 3.5 फीट बाई 8 फीट की एंट्रेंस आपको मिलेगी, जिस पर फ्लश डोर लगाएंगे और दोनों तरफ विनियर लगा के देंगे और पॉलिश से फिनिश करके देंगे। डोर फ्रेम भी काफ़ी हैवी है और इसमें एक्सेस का लॉक आपको मिलने वाला है। एंटर करते ही 17.5 फीट बाई 10 फीट का आपको लिविंग एंड डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, जिसमें देख सकते हैं काफ़ी बड़ी टाइल का यूज़ किया हुआ है, टाइल काफ़ी अच्छी है, ग्लॉस भी काफ़ी अच्छा है। बड़ी टाइल के बारे में आपको जो बड़ी टाइल होती है उसमें जॉइंट्स कम दिखाई देते हैं और फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी लगती है। दोस्तों बताऊँ किस तरह से लिविंग स्पेस को अपने तरीके से आप इन्हेंस कर सकते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा बेस आपको बना के दे रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो पेंट के बाद फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लगेगी आपकी। इस पर आप चाहते हैं तो इसमें आप MDF या SDF की या SDHMR की मॉल्डिंग का यूज कर सकते हैं। अगर बात करूं तो आपको 5 रुपये से लेकर 12 रुपये के अंदर रनिंग फिट में आपको ये मॉल्डिंग मिल जाती है, जो वॉल पे आप लगाकर उसको अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। पूरे ड्राइंग रूम के अंदर बात करूं तो अप्रॉक्स 150 से 200 फिट आपकी मॉल्डिंग लगेगी, जिसका रेट आप अप्रॉक्स मान के चलें आप समझ सकते हो कि 2-3 हज़ार में आपकी मॉल्डिंग आ जाएगी। लगाने वाला एक मतलब एक दिन के अंदर लगा देगा, तो 5 हज़ार के अंदर अपना लिविंग स्पेस को आप अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। इसको आप व्हाइट कलर का पेंट करेंगे तो आपका ड्राइंग रूम काफ़ी अच्छा निकल कर आएगा। कम खर्चे के अंदर इस तरह से अपनी वॉल को एनहेंस कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ी एल किचन मिल रही है,
जिसके अंदर एल काउंटर लगाया हुआ ब्लैक कलर का ग्रेनाइट, नीचे व्हाइट कलर की लैमिनेट का यूज किया हुआ है फ्रॉस्टी व्हाइट, ऊपर भी ओवरहेड स्टोरेज आपको भी है। इसमें आपका प्रोफाइल का यूज किया हुआ है, हैंडल आपको नहीं मिलते, तो काफी अच्छी किचन आपकी लग रही है। ये फ्रिज का स्पेस आपको अलग दिया हुआ है। जितनी भी इसमें बास्केट आपको मिल रही है, इनोटेक बास्केट मिल रही है जो सॉफ्ट क्लोजर होती है, लोड भी ज़्यादा ले लेती है और इजिली ख़राब भी नहीं होती। और दोस्तों ऊपर भी आपको फॉल्स सीलिंग वर्क करके दे रहे हैं, इसमें कंसील लाइट आपको लगा के देंगे। वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं, इधर ओपनेबल एक विंडो दी हुई है। दोस्तों इसमें बात करते हैं बेडरूम की। इसमें दो बेडरूम आपको मिल रहे हैं, एक फ्रंट साइड में मिल रहा है जो बालकनी की तरफ खुलता है, एक आपको बैक साइड में मिल रहा है। तो बैक साइड वाला बेडरूम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बेडरूम के साइज की बात करें तो ये 11.5x10 फीट का दिया हुआ है। इसमें सेम टाइल लगाई हुई है जो 32x64 इंची की है, लाइट कलर की टाइल जो काफी अच्छी लग रही है। जितने भी सॉकेट है रिमार्क है साइड टेबल के, इस वाले एरिया को भी अच्छा एनहेंस कर पाएंगे। अगर मैं वॉल के ऊपर बात करूँ तो आप इसमें लूवर्स लगा सकते हैं। लूवर्स बात करें तो लूवर्स के जो साइज की बात करें तो 6 इंची 8 इंची में आपको मिल जाता है, 6 इंची या 9 इंची में, और इसकी हाइट अप्रोक्स आपको 8 फीट मिलती है। तो आप चाहते हैं तो जितना भी आपकी हाइट टेबल है यहाँ पे लूवर्स यूज कर सकते हैं। इसमें 3 ही पैनल आपके आएंगे और लूवर्स 650 रुपये से लेके 1000 रुपये में अच्छे आपको मिल जाते हैं। मान के चलें पूरी वॉल के ऊपर अगर 18 इंची इस साइड लेते हैं, 18 इंची दूसरी साइड लेते हैं, बीच में मॉल्डिंग लगाते हैं, तो अप्रॉक्स आपका 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा आएगा, जिसके अंदर आप इसमें पैनलिंग करा के अपने लूवर्स लगा पाएंगे। तो आपकी जो बैक बेड की बैक साइड वाली वॉल है काफ़ी अच्छी दिखाई देगी, तो इस वॉल को अच्छा एनहेंस कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो मॉल्डिंग के अंदर वॉल पेपर भी लगा सकते हैं। वॉल पेपर भी आपको पता होगा 1000 रुपये से लेकर और 2000 के बीच में काफ़ी अच्छे रोल आपको मिल जाते हैं। सामने आपको टीवी की वॉल मिल रही है, इसमें भी काफ़ी अच्छा प्लास्टर पैस का वर्क किया हुआ है। इसमें व्हाइट कलर का पेंट आपको करेंगे तो काफ़ी अच्छी वॉल आपकी निकल कर आएगी, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग निकल कर आएगी। ऊपर वर्टिकल प्रूफ के साथ फॉल सीलिंग और बीच में डाउन सीलिंग भी दी हुई है। इसमें एक वॉशरूम आपको मिल रहा है अटैच, जिसमें देख सकते हैं बोटाचिन और टाइल लगाई हुई जो काफ़ी अच्छी लग रही है। नीचे प्रिंटेड टाइल का यूज़ किया हुआ है, एंटिस के टाइल। इसमें फिटिंग की बात करें तो कंसील टैंक आपको मिल रहा है, डायवर्टर स्पाउट आपको मिलेगा, इधर वैनिटी के साथ काउंटर वॉश बेसिन आपको मिलेगा, तो काफ़ी अच्छी फिटिंग आपको मिलेगी। और फिटिंग बात करें सारी सेरा की मिलने वाली है और हैंडमेड की आपको मिलने वाली है। डोर पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डोर मिल रहा है, इसको विनियल कर लगा के दे रहे हैं और पॉलिश से फिनिश आपको करते देंगे। दोस्तों इसमें ये वाला स्पेस आपको अलग मिल जाता है जिसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो यहाँ पे किसी तरीके से आप सिटआउट बना सकते हैं या यहाँ वार्डरोब भी रख सकते हैं। और पीछे आपको एक शाफ्ट मिल रही है, इस शाफ्ट को भी यूटिलाइज करेंगे। इसमें आपको एक UPVC विंडो मिलने वाली है जिससे वेंटिलेशन आपका प्रॉपर रहे और सफोकेशन की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े। दोस्तों ड्राइंग रूम के अंदर भी काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग आपको मिल रही है वर्टिकल गोव के साथ, बीच में ग्रूविंग करके दे रहे हैं, आपको एक फैन का पॉइंट लगा के दे रहे हैं। अब चलते हैं इसके कॉमन वॉशरूम की तरफ। कॉमन वॉशरूम में भी देख सकते हैं कंसील टैंक आपको मिल रहा है, वॉल हैंग सीट आपको मिलेगी, इधर डायवर्टर मिल रहा है और स्पाउट मिलेगा आपको। इसमें भी लाइट नहीं लगेगी, संधेरा दिखाई दे रहा है, बट लाइट काफ़ी अच्छी टाइल लगाई हुई है। और ऊपर भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग वर्क करके दे रहे हैं, कंसील इसमें लाइट लगा के देंगे तो काफ़ी अच्छा टॉयलेट ये लग रहा है। वेंटिलेशन के लिए देख सकते हैं इधर ओपनेबल विंडो आपको मिल रही है और काफ़ी अच्छे डोर आपको मिल रहे हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम की तरफ। इस बेडरूम के साइज की बात करें 10x11.5 फीट का इसका भी साइज, बेडरूम के साइज काफी अच्छे आपको मिल रहे हैं। ये बेड की पीछे वाली वॉल है, इसको भी हाईलाइट कर पाएंगे आप। मैंने बताया इसमें आप चाहते हैं तो इस वाले एरिया में मॉल्डिंग लगा के लगाने के बाद आप बीच में टेक्सचर कर सकते हैं सुपर फाइन का, या आप इसमें कोई अच्छा वॉलपेपर लगा सकते हैं। दोनों साइड जहां आपकी साइड टेबल आ रही है वहां लगा सकते हैं और बेड के पीछे 3 फुट से उठा के आप मॉल्डिंग कर पाएंगे। इसके अंदर वॉलपेपर लगाएंगे या टेक्सचर करेंगे और कोई आर्ट लगाएंगे तो ये वाली वॉल भी आपकी एनहांस हो जाएगी। इसमें आप बात करें इसमें भी 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा आपका होगा, तो समझ सकते हैं पूरे फ्लैट के अंदर कम से कम 20 से 25 हज़ार के अंदर आपके काफ़ी अच्छा इंटीरियर वर्क हो जाएगा और काफ़ी सस्ते में हो जाएगा, जो वॉल काफ़ी अच्छी आपको दिखाई देंगी, तो इस तरीके से आप इनहेंस कर पाएंगे। इसमें लेडीज का कंड्यूट आपको मिल रहा है, सामने का टीवी का पॉइंट आपको मिल रहे हैं, फ्रंट की तरफ देख सकते हैं आपको काफ़ी बड़ी विंडो मिल रही है, जो स्लाइडर दी हुई है इसे स्लाइड कर पाएंगे तो प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिलेगा, एयर वेंटिलेशन भी मिलेगा। और देख सकते हैं अब क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा फ्लैट का, क्योंकि बिल्डिंग भी एल शेप में है तो बिल्डिंग का भी वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। ऊपर काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग वर्क आपको मिल रहा है। आप चाहते हैं तो ये बीच में जो इन्होंने एक ग्रुप छोड़ा हुआ है इसमें वुड का यूज कर सकते हैं तो काफ़ी अच्छी लगेगी आपकी फॉल सीलिंग। आप चाहते हैं तो टक्कर पर भी वुड वर्क का यूज कर सकते हैं, इन्हें लगा सकते हैं तो इस वाली फॉल सीलिंग को और अच्छा इन्हेंस कर पाएंगे। दोस्तों बात करते हैं अब इसकी बालकनी की। दोस्तों इस बेडरूम से कनेक्टेड है आपको बालकनी मिल रही है, इसके साइज़ की बात करें तो 4x10 फीट की आपको मिल रही है जो बेडरूम से कनेक्टेड है। इसमें देख सकते हैं वुडन टाइल का यूज़ किया हुआ, प्लैंक टाइल लगाई हुई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी रफ एंड टफ भी आप यूज़ कर पाएंगे। फ्रंट एलिवेशन पे आपको MS की रेलिंग, नीचे आपको ग्रेनाइट का टॉप मिलने वाला है। जितना भी कॉमन एरिया है इसमें स्टोन से स्ट्रक्चर करके देंगे और जितने भी पाइप है इसको भी हाइट करके देंगे तो काफ़ी अच्छा आपकी कॉमन एरिया को इन्हेंस करके देंगे, आपको एलिवेशन को इन्हेंस करके देंगे।
दोस्तों पूरा फ्लैट तो आपने देख लिया होगा, फ्लैट आपको कैसे लगा और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की और प्रॉपर्टी देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.sastagar.in। इस साइट पर जाकर अपने बजट के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी देख पाएंगे। बात करते हैं इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या एमिनिटीज आपको मिल रही है। दोस्तों कार पार्किंग आपको मिल रही है, ब्रांडेड लिफ्ट आपको मिल रही है, कॉमन टेरेस आपको मिल रहा है और दोस्तों फ्रंट टेलीविजन भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, दिल्ली जलबोर का पानी और BSS के मीटर आपको मिल रहा है। बात करते हैं प्रॉपर्टी के टाइटल के और प्राइस की। अगर मैं टाइटल की बात करूं तो रजिस्ट्री का लैंड है, इसमें PM उदय के तहत रजिस्ट्री हो रही है तो इजली फाइनेंस भी आपको मिल जाएगा। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 48 लाख इसका आस्किंग प्राइस है जिसमें इजली आपको फाइनेंस भी मिल जाएगा। तो देर ना करें, अपनी विजिट आज ही लाइन करें। दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। मैं सचिन गहलोत आपसे फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब खुशियां नए पते पर।